पिछले दो दिन से केंद्रीय जेल भैरूगढ़ में बंद कांग्रेसी विधायक महेश परमार और मनोज चावला सहित सात कांग्रेसी नेताओं की शुक्रवार दोपहर को रिहाई हो गई। इससे पहले प्रदेश के कांग्रेस मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी केंद्रीय जेल में बंद विधायक और नेताओं से मिलने पहुंचे थे। जीतू पटवारी ने मुलाकात के बाद जेल में बंद सभी नेताओं की मुचलके पर जमानत करवाई। जेल से बाहर आने पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सभी को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं महेश परमार और एक और विधायक आलोट के, उनको रिहा करवाने आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी जेल पर पहुंचे हैं। मंत्री जी बताएं किस तरह की आज यहां पर पहुंचे हैं, क्या क्या बातें हुई है? मैं मानता हूं कि पूरे लॉकडाउन में और इस पूरे प्रोसेस में सरकार का सहयोग करना हमारा दायित्व है और मैं सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज बात करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो वो लगातार राशन वितरण में अपना सहयोग कर रहे हैं धन्यवाद देते हुए और ताकत से करें इस बात को हमने किया है और ये लड़ाई समय आएगा तब और लड़ेंगे पर आज आवश्यकता है सरकार के साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने। क्या किस लिए ये वो भोपाल जा रहे थे पीले चावल लेकर, क्या बातें हुई जो उनको गिरफ्तार करना मौत का कुआ बन गया? सबसे ज़्यादा रेशियो रेट उज्जैन में हो गया और मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ ऐसी में बैठ के रोज विज्ञापन और भाषण देता है, यहाँ तक आता नहीं है। तो एक जनप्रतिनिधि का नहीं दायित्व है कि वो कहे कि मुख्यमंत्री जी एक बार पधारो, पधारने के लिए गए। क्या कारण रहा कि इनको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, धरने पर बैठना पड़ा? यही मैंने कहा ना कि इस प्रशासन जब नहीं सुनता है तो लोकतंत्र में गांधीवादी तरीका होता है, उसके हिसाब से काम करा। दो दिन के जमानत की महाभारत के बाद आज जीतू पटवारी जी यहां पर पहुंचे और जेल अधीक्षक अलका सोनकर जी से बात करी है और अब दोनों विधायकों को यहां पर रिहा किया जा रहा है। उज्जैन से दबंग न्यूज़ के लिए अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट।